नमस्कार, स्वागत है आपका जय न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहाँ आज हर जगह देश विदेश में योग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वहीं हल्द्वानी के हीरानगर स्थित उत्थान मंच में भी एक बड़ा योग शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने योग किया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने कहा कि योग से कई सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है और हम सभी को रोज उठकर योग जरूर करना चाहिए कि रोज योग करें, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व पर योग को एक पहचान दिलाई है और पूरा विश्व आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है, हम सब लोगों को योग करना चाहिए, योग को अपने जीवन का सलीका बनाना चाहिए। और युवाओं ने खासकर आज जो हमने कार्यक्रम इसी रखा है कि जागरूकता युवाओं पर जानी चाहिए और सब वरिष्ठ जनों के साथ हमने कार्यक्रम करा है और पूरे साल हम सब लोग योग को अपनाएंगे, योग को आगे लेकर चलेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे, फिट इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सभी लोगों को योग करना चाहिए क्योंकि योग से निरोगी रहते हैं आदमी। देखिए, योग जो है जब स्वस्थ रहेगा तभी मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। ये हमारे बहुत बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चार्ज लिया तो सबसे पहले उन्होंने विश्व को एक संदेश दिया कि स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ज़रूरी है। तो योग 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और आज उसी की परंपरा को हम लगातार निभा रहे हैं। आज ही जो है सब में बड़ा दिन भी होता है उत्तरी गोलार्ध का, इसलिए भी योग करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जैसे देखें पूरे विश्व में जो रामदेव ने लहर चलाई है, उस लहर का इतना फायदा है कि लोगों का जो मेडिकल का बजट है वो एक चौथा ही रह गया। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजे न्यूज। धन्यवाद।